दोस्तों आदाब नमस्कार। अरविंद केजरीवाल आज 28 मार्च को अदालत में सब कुछ बता देंगे। वो देश को सच्चाई बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहाँ है, वो सबूत भी देंगे। ये कहना है अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल का। अब दोस्तों सवाल ये है पूरे देश के सामने कि क्या आज 28 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकला केजरीवाल को बेगुनाह साबित कर पाएंगे या नहीं। क्या जांच एजेंसियां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले के सबूत पेश कर पाएगी या नहीं, या फिर ये कहना पड़ेगा देश को अदालत भी तुम्हारी, मुंशिफ भी तुम्हारे, फैसला भी तुम्हारा। खैर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज अपने पति के साथ एक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल खड़े किए हैं। सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनके पति गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने पेश होकर शराब घोटाले की सच्चाई उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बताएंगे कि घोटाले का पैसा कहाँ है और सबूत भी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनीता केजरीवाल ने दावा किया कि जब ईडी ने दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में केजरीवाल के आवास पर छापा मारा तो उन्हें केवल 73,000 यानी कि उन्हें केवल 73,000 रुपए मिले। उन्होंने ये भी कहा कि शराब घोटाले में ईडी ने 250 से अधिक छापे मारे हैं। कहा जाता है कि वे इस घोटाले से पैसे की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला। सुनीता केजरीवाल ने आगे कहा कि दो दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या को लेकर दिल्ली जल मंत्री आतिशी को पत्र भेजा था। केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ मामला दायर किया। क्या वे दिल्ली को नष्ट करना चाहते हैं? क्या वे चाहते हैं कि लोग पीड़ित होते रहे? अरविंद केजरीवाल इससे बहुत दुखी है। उन्होंने अपने पति को सच्चा देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती हूं। उन्हें शुगर है, शुगर का लेवल ठीक नहीं है, लेकिन उनका इरादा बहुत मजबूत है। अरविंद जी बहुत सच्चे देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनके लंबे जीवन, स्वास्थ्य और सफलता के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर जेल में है, लेकिन उनकी आत्मा लोगों के बीच में है। सुनीता केजरीवाल ने यह भी कहा कि भले ही अरविंद केजरीवाल जेल में है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी वो दिल्ली के जनता के साथ है। बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी द्वारा रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसे उन्होंने अवैध बताया। अपनी याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी ने उनके मौलिक और मानव अधिकार का उल्लंघन किया है और ईडी उनकी गिरफ्तारी के समय मामले में उनका अपराध स्थापित करने में विफल रही है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज ईडी ने समय मांगा जवाब देने के लिए, क्यों? अब जाकर फिर कोई गवाह बनाएंगे, कुछ मनगढ़ंत कहानियां लेकर आएंगे? आज पूरे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह भी है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के वकीलों का कोई जवाब नहीं है। ये देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में भी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया गया है। दोस्तों आपको पता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के संबंध में जांच एजेंसी द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से ईडी की हिरासत में है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों सुनीता केजरीवाल की ट्विटी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ANI न्यूज से बखेती करते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में फंसे थे तो राबड़ी देवी घोषणाएं करती थी और फिर धीरे धीरे उन्होंने कुर्सी पकड़ ली। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहले नैतिकता की बात करने और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल करने के बावजूद आप सुप्रीमो अब भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आपके सांसद, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उनके MLC हर कोई जेल में है। उनके मुख्यमंत्री और शराब घोटाले के सरगना भी जेल में है। उन्होंने कहा वे मांग करते थे कि सच्चाई सामने लाने के लिए सोनिया गांधी को रिमांड पर लिया जाना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इतना प्यार है कि वो जेल में रहते हुए भी इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल। ये टिप्पणी थी मंत्री अनुराग ठाकुर की। ये थी नमस्कार। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है।
शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों के पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सतीन जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपये मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। दोस्तों, अगर अब तक आपने आमना सामना वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को याद से दबाएं ताकि हमारी हर रिपोर्ट आपको बर वक्त मिलती रहे।